प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर डेंगू मरीजों से की मुलाकात। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अपना दल एस का राष्ट्रीय अधिवेशन, अनुप्रिया पटेल बनी निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष। हरदोई मेडिकल कॉलेज ने की जांच, फीस में वृद्धि, मरीजों में कॉलेज के खिलाफ आक्रोश। देवरिया में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, कानून व्यवस्था का लिया जायजा। अमेठी में प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र पर रोजगार मेले का हुआ आयोजन, सैकड़ों की संख्या में युवकों ने कराया पंजीकरण। देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अपना दल एस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, जिसमें कई पदाधिकारी कार्यकर्ता समेत पार्टी के विधायक और सांसद शामिल हुए। वही इस कार्यक्रम में मेंबर्स के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें एक बार फिर अनुप्रिया पटेल को विरोधी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आयोजन में निकाय चुनाव को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों को गुरु मंत्र दिया गया, साथ ही साथ निकाय चुनाव में उम्मीदवारों पर चर्चा भी की गई। निकाय चुनाव और संगठन की मजबूती को परखने के लिए कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी देवरिया पहुंचे, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट जाने के निर्देश दिए। संभल में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डेंगू वार्ड का औचक निरीक्षण कर अस्पताल परिसर की साफ सफाई का जायजा लिया, साथ ही डेंगू मरीजों से मिलकर उनकी स्वास्थ्य की जानकारी ली। निरीक्षण के समय चिकित्सा अधीक्षक हरविंदर सिंह, द्विजय सिंह, लैब टेक्नीशियन समेत अस्पताल कर्मचारी मौजूद रहे। संभल के थाना हयत नगर थाना इलाके में संचालित मैक्सन फार्मा पर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की स्पेशल टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान करीब 1 करोड़ की कीमत की नकली दवाइयां बरामद हुई, साथ ही टीम ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मुख्यालय के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि सहजादी सराय में एक फैक्ट्री अवैध जो है एलोपैथिक औषधियों का नकली जो है निर्माण कर रही है, उसकी निशानदेही पर मुख्यालय ने टीम गठित की थी मेरे निर्देशन में, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर श्री वैभव बब्बर, श्री आशुतोष मिश्रा गाजियाबाद, श्रीमती उर्मिला वर्मा मुरादाबाद, उमेश भारती बिजनौर और राजेश कुमार अमरोहा, रजत पांडे इटावा से गठित करके हम लोग मौके पर गए। तो वहाँ पर टीम ने, चूँकि उनको आयुर्वेदिक का लाइसेंस प्रदत्त था, लेकिन वहाँ मौके पर औषधियों एलोपैथिक औषधियों की फॉइल वगैरह मिली, फिर उनके निशानदेही पे उन्होंने बताया कि हमारा माल यहाँ राम विहार कॉलोनी में जो इनका गोदाम है वहाँ पर हम पैकिंग करते हैं, इसकी सीलिंग करते हैं। कासगंज में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने प्राथमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर शिक्षकों की उपस्थिति के संबंध में जानकारी ली। नगलावीर सहाय प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापक रीनू मलिक कई दिनों में से अनुपस्थित हैं, जिसकी जानकारी स्कूल प्रशासन को नहीं है। शिक्षिका की लापरवाही को देखते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबन के निर्देश जारी किए। देखिए, जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग या शिक्षा विभाग इन जनरल भी ये किया जा रहा है कि औचक निरीक्षण के माध्यम से हमारे जो टीचर्स हैं उनकी अटेंडेंस सुनिश्चित की जाए या उनके एब्सेंट होने की जहाँ भी शिकायत मिल रही है इनको औचक रूप से चेक किया जा रहा है।
और इसी उद्देश्य से आज मेरे द्वारा भी रूटीन इंस्पेक्शन किए गए हैं स्कूल्स में। इनमें हमने आज 3 स्कूल्स को देखा है, प्राथमिक विद्यालय वीर सहाय, प्राथमिक विद्यालय रफातपुर और कंपोजिट विद्यालय देवरी प्रहलादपुर, जिसमें 2 जगह पर सभी कुछ ठीक पाया गया, लेकिन एक विद्यालय नगला वीर सहाय में एक अध्यापक जो है वो दिवाली के बाद से निरंतर अनुपस्थित थी, उनके संबंध में कोई कागज भी वहाँ नहीं पाया गया। ऐसे जो भी केसेस इन इंस्पेक्शंस में आते हैं उनके विरुद्ध मुकदमा। संभल जिलाधिकारी मनीष बंसल ने चंदौसी मंडी स्थित तेफको केंद्र औचक निरीक्षण कर उर्वरक और रसायन संबंधित जानकारी ली। साथ ही किसानों को बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर ही उर्वरकों की खरीदारी करें। जिलाधिकारी ने धान क्रय केंद्रों का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों को धान मूल्य का भुगतान किसानों को समय से करने के निर्देश जारी किए। इस दौरान जिला कृषि अधिकारी ओंकार सिंह समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद थे। आज धान क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया, वहाँ पर किसानों से बात की कि किसी भी प्रकार से किसी किसान को कोई असुविधा ना हो रही हो। सभी किसानों ने वहाँ पर बताया कि उनका जो धान है वो वहाँ पर निर्धारित दर जो है 2040 रुपये प्रति क्विंटल उस पर खरीदा जा रहा है, और अभी धान खरीद की थोड़ी गति जो है वो कम है क्योंकि आवक अभी पिछले सप्ताह ही मेजरली शुरू हुई है जो मोटा धान है उसकी, और आने वाले समय में हम लोग इसको और बढ़ाएंगे। पूरे जनपद में 40 क्रय केंद्र इस समय संचालित हैं और सभी पर खरीद चल रही है। देवरिया में पुलिस अधीक्षक ने फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए वाहनों, संदिग्धों और सामानों की चेकिंग की गई। एसपी ने पुलिस कर्मियों को उनकी ड्यूटी के बारे में उचित दिशा निर्देश दिए। फिरोजाबाद के इस्लामिया इंटर कॉलेज की बिल्डिंग पर भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। विद्यालय समिति ने बताया कि भू माफिया लगातार विद्यालय न चलाने की धमकी दे रहे हैं, ऐसे में बच्चों के भविष्य खराब होने की भी चिंता विद्यालय समिति ने जताई है। विद्यालय समिति ने सीएम योगी से विद्यालय की भूमि को सुरक्षित करने की मांग की है। इस्लामिया इंटर कॉलेज की, और ये फिरोजाबाद में एक इसकी अलग पहचान है, क्योंकि इसकी जगह, इस कॉलेज की जगह जो है भूमि कुछ बाहर गेट के बाहर कुछ प्लॉट हमारा पड़ा हुआ था लगभग 1000 स्क्वायर फुट का, बच्चों की साइकिल स्टैंड बनवाने के लिए कल हम लोगों ने उस पर कार्य शुरू किया। पिलर खड़े हो चुके थे, करीब 4:30 बजे 5 गुंडे आए। आने के बाद हमारे स्कूल का कुछ स्टाफ था और भी लोग बैठे हुए थे। आने के बाद गाली गलौज करी और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। प्रतापगढ़ में मायके से वापस लौट रही महिला के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। ग्रामीणों ने हत्या की सूचना घर वालों को दी। मृतका के घर वालों में कोहरा मच गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्यारों की गिरफ्तारी के संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। शकुंतला का शव जो है मझिलहा के जंगल में मिला है। शकुंतला पास के ही गांव के रहने वाली है, जिनकी उम्र करीब 55 वर्ष है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनको ईंट से मारा गया है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अज्ञात अभियुक्त की तलाश की जा रही है। बॉडी को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। हमारे द्वारा शीघ्र ही घटना का अनावरण किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। संभल के निजी अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती महिला और नवजात बच्चे की डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने अस्पताल का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझा कर मामले को शांत कराया। घटना की जानकारी होने पर स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी SDM विनय कुमार मिश्र ने अस्पताल पहुंचकर उसे सीज करने के निर्देश दिए और साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है।
बता दें कि डॉक्टरों की लापरवाही से प्रसूता की मौत हो गई, अस्पताल को किया गया सीज। खबर संभल से है जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही से प्रसूता की मौत हो गई, अधिकारियों ने पहुंचकर अस्पताल को सीज कर दिया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुबारक हमारे साथ जुड़े हैं। मुबारक, देखा जाए संभल से तो डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां प्रसूता की मौत हो गई है, परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया इसको लेकर, और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? आपको बता दूं, जनपद संभल के अतमोरी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है और ग्राम पंचायत अतमोरी में हॉस्पिटल जो संचालित है और अच्छी तरीके से हॉस्पिटल चल जाता है, उसमें महिला की लापरवाही से महिला की मौत हो गई है और एक बच्चे की वहां पे मौत हो गई है, और उसके खबर दिखाने के बाद उस पर हॉस्पिटल का कार्रवाई हुई है, उसके लिए सीज कर दिया गया है। तो महिला को उसी अस्पताल से सीज करने के लिए महिला को इंसान मिल पाएगा क्या? बताया जा रहा है कि उच्च अधिकारी ने वहां पर अस्पताल पहुंचकर उसे सीज करने का निर्देश दिया और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। जिलाधिकारी ने जो आदेश करे हैं, जो आदेश सीज करने के लिए आदेश करे हैं, और उसके खिलाफ अस्पताल संचालक के खिलाफ जो कार्रवाई करने की जो बात की गई है, बात करने के बाद में जो पूरे जिले भर में काफी संचालित जो ऐसे हॉस्पिटल पर जो हॉस्पिटल चल रहे हैं, उसका ना कोई रजिस्ट्रेशन ना कुछ ना, उसमें महिला की उसमें मौत हो जाती है, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि परिजनों का इस पर और क्या कुछ कहना था, किस तरीके से ये लापरवाही की गई? परिजनों ने उस हॉस्पिटल में हंगामा काटा है, उस हंगामा काटने के बाद में उसमें तोड़फोड़ भी की है, तोड़ करने के बाद में उसके जो उसमें संतोष पटेल जो नोडल अधिकारी है वो वहां पर मौके पर पहुंचकर उसके लिए 4 घंटे के बाद उसके लिए सीज किया गया है। खबर दिखाने पर जो हमारी प्राइम टीवी की टीम जो मौके पर वहां पर पहुंची थी, मौके पर पहुंचने के बाद में जो प्राइम टीवी ने जो खबर चलाई थी, खबर चलाने के बाद उसमें जो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और दूसरी तरफ जो जिले भर में पूरे जो अस्पताल संचालित है और जो झोला छाप डॉक्टरों की दुकानें अलग कैसे चल रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना होती? जब महिला की या किसी की उसमें व्यक्ति की मौत हो जाती है, उसके बाद स्वास्थ्य जाता है तो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने जब आई। जो योगी सरकार लाख दावे कर रही है स्वास्थ्य विभाग को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर जो बड़े बड़े दावे कर रही है, और योगी सरकार के दावे जो खेल नजर आ रहे हैं यूपी के संभल में। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुबारक। रायबरेली में डलमऊ में कार्तिक पूर्णिमा मेले की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि मेले में हर साल लगभग लाखों की संख्या में गंगा घाट पर श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में गंगा घाट पर कोई व्यवस्था नहीं, घाटों पर चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है, श्रद्धालुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में नगर निगम की टीम कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। इस समय यहाँ डलमऊ गंगा घाट पे खड़े हुए हैं हम लोग, यहाँ पर टेस्ट देने आए थे, मगर यहाँ पर जब हम लोगों को शौच लगी तो हमने कहा आओ चले शौचालय, तो यहाँ पर देखिए इतनी गंदगी इतनी है, यहाँ पे कांटा वाटा पड़े हुए हैं, हम लोगों के पैर में कुछ गए हैं। 3 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा का मेला है और कहा जाता है कि यहाँ पे 10 से 15 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पे यदि शौचालय की बात की जाए, फिर वस्त्र परिवर्तन की बात की जाए, वहाँ पे गंदगी का काफी अंबार देखने को मिला। तो आप लोग यहाँ पे शौच करने के लिए आए तो आपको गंदगी मिली यहाँ पे? हाँ, हमको बहुत गंदगी मिली। 10 से 15 लाख श्रद्धालु भी आएंगे, उनका क्या होगा? हम लोग 3 ही लोग हैं, हमारा क्या होगा? मतलब हम लोग इतनी देर लगी हुई थी, हम लोग आए थे मगर फिर भी नहीं करने को मिला है। यहाँ पे डलमऊ पे आए हुए घाट पे 3 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा का मेला है। यस। और ये शौचालय बना हुआ है पुरुष का, क्या इसमें साफ सफाई है या नहीं? जी नहीं सर, हम अभी आए थे, हम लोगों के यहाँ तक टेस्ट है, ऐसे प्रैक्टिकल बच्चे यहाँ कैसा लिखते हैं, कैसा पढ़ते हैं, उनके टीचर कैसे पढ़ाते हैं, यहाँ पे आए थे हम लोग टेस्ट देने, उसके बाद हम लोग यहाँ पे शौच करने आए थे। तो यहाँ पे अंदर देखे तो बहुत गंदगी थी, इससे बहुत बीमारियाँ फैलेंगी। आम जनता के पास पैसा नहीं है, कोई भी आएगा यहाँ पे दूषित होगा सर, वो गरीब आदमी होंगे, वो तबीयत खराब होगी सर, दवाई कराने जाएंगे पैसे भी नहीं रहेंगे, उससे उनकी जान भी जा सकती है। और हमारा निवेदन है कि जो यहाँ पे साफ सफाई यहाँ पे करवाएं, अच्छा व्यवस्था दें यहाँ पे,
जनता है वो अच्छे आदमी को चुनती है कि वहाँ पे सफाई साफ सफाई रखे, गंदगी ना फैलाए। हरदोई मेडिकल कॉलेज प्रशासन की मनमानी से मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। मेडिकल प्रशासन ने जांच फीस पार्किंग चार्ज में बड़ी वृद्धि की है, जिसके कारण इलाज के लिए आने वाले मरीजों में आक्रोश का माहौल है। मेडिकल कॉलेज है ये, आज यहाँ पे हम आए हैं। यहाँ पे आप हमारे पीछे देख सकते होंगे, ये मेडिकल कॉलेज का गेट है, बराबर बंद रहता है। मरीज आता है 10 से 15 मिनट लगता है, यहाँ पे खड़ा रहता है, इससे मरीज की जान भी जा सकती है। यहाँ पे ओपीडी चालू है, ओपीडी एक रुपए के पर्चा बनवाते हैं, उसके लिए यहाँ पे इधर कैमरा पर्सन से कहेंगे इधर दिखाएं, 10 रुपए का जो 1 रुपए का पर्चा बनाता है और 10 रुपए का अपनी गाड़ी खड़ी करता है, इससे मरीजों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको अपना कैमरा पर्सन से कहेंगे ये पीछे गेट को दिखाएं, मरीज आता है यहाँ पे खड़ा रहता है और गाड़ी सामने का दिक्कत करना पड़ रहा है, 10-10 मिनट खड़े रहते हैं यहाँ पे। ये बताइए, हम रात से बात करने की कोशिश करेंगे, ये गेट किसकी परमिशन से बंद होता है? लेकिन जो मरीज आता है नियम और प्रिंसिपल के उस पर बंद हुआ आदेश पे। इनका जो गार्ड से बात की गई तो गार्ड बोल रहे हैं डीएम की और उसे उनकी परमिशन से बंद किया गया है, लेकिन मरीजों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन आनंद के साथ हर्षराज सिंह, प्राइम टीवी, हरदोई। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हर्षराज हमारे साथ जुड़ेंगे। हर्षराज, भी हरदोई मेडिकल कॉलेज से देखा जाए तो बड़ी मनमानी सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि मरीजों के लिए फीस बढ़ा दी गई है, इसके बाद पार्किंग चार्ज बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें नंदनी, आपको बता दें कि जो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में तो जो सर्वप्रथम तो मरीज आता है वहाँ पे फर्स्ट गेट बंद कर दिया गया है। मरीज आता है 10-15 मिनट वेट करता है, अगर हो सकता है तो मरीज की मौत भी हो सकती है, लेकिन जब गार्ड से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये डीएम और प्रिंसिपल की वजह से गेट बंद किया गया है। यहाँ के जो मरीज आते हैं इनसे बात की गई, तीमारदारों से बात की गई, तो उन्होंने बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी, बताया जा रहा है कि मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़े, जिस तरीके से फीस की जांच बढ़ा दी गई है, पार्किंग चार्ज बढ़ा दिया गया है, और क्या क्या चीजों में बढ़ोतरी की गई है इसको लेकर? नंदनी, आपको बता दें यहाँ पे 1 रुपए का पर्चा जो मरीज बनता है उसके बावजूद यहाँ पे जो बाहर जो पार्किंग बनाई गई है, शायद नगर पालिका की हो या मेडिकल कॉलेज की हो, ये जानकारी नहीं कोई दे पा रहा है। वहाँ जो मरीज 1 रुपए के पर्चा अपना गरीब आदमी आता है वहाँ पे 10 रुपए की गाड़ी पार्किंग देता है, वहाँ पे गाड़ी पार्क करके फिर आता है दवाई लेने। यहाँ पे अव्यवस्थाओं का बहुत मेडिकल कॉलेज में टोटा है, जिससे यहाँ पे मरीजों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या इस पर कुछ एक्शन लेने की बात कही गई है? यहाँ के जो प्रिंसिपल से बात की गई तो उन्होंने बताया व्यवस्था बहुत जल्द दुरुस्त होंगी, जबकि यहाँ के हरदोई जिले के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मल्लामा के ब्रजेश पाठक, उन्होंने कई बार यहाँ पे दौरा किया, लेकिन उसके बाद भी व्यवस्थाएं बदहाल हैं यहाँ की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर्षराज। गाजियाबाद में एक युवती ने अपने मित्र को फोन करके घर वालों पर हत्या करने की आशंका जाहिर की। वहीं पुरुष मित्र ने घर वालों से गुलाफिशा की मौत के संबंध में जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने नेचुरल डेथ बताकर शव को दफनाने में तेजी दिखाई। मृतका के दोस्त ने स्थानीय थाने में घर वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उचित कार्यवाही की मांग की है। मेरी एक फ्रेंड थी, गुलफ्सा कसकर नाम है उसका। रात मेरे पास उस केला भट्टे पर 4 नंबर गली में रात मेरे पास उसकी कॉल आई थी कि उसके घर वाले उसे परेशान कर रहे हैं कि आज मुझे मार देंगे मेरे घर वाले, कि मुझे कैसे भी करके यहाँ से बचा लो, मुझे निकाल लो। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैंने उसे बहुत समझाया, मैंने कहा ऐसा घर वाला कोई नहीं करता, फिर भी उसे ज़बरदस्ती करके उसे गला घोट कर मार दिया गया। मेरे पास उसके सारे एविडेंस हैंगे, रिकॉर्डिंग हैगी, सब कुछ हैगा मेरा उसका। अंबेडकर नगर में बढ़े डेंगू के प्रकोप से निजात दिलाने के लिए जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन ने नगर पालिका टांडा में साफ सफाई कराने के निर्देश जारी किए, साथ ही मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डेंगू वार्ड बनाने की भी जानकारी दी है।
अगर एक महीने से लिया जाए तो टांडा में लगभग 55 हैं, हाँ एवरेज में 3-4-5 डेली टांडा में भी निकल रहे हैं। और उसका ये है कि हमारे यहाँ पर्याप्त जांच की व्यवस्था है मेडिकल कॉलेज में कि कोई भी व्यक्ति कभी भी जांच करवा ले रहा है, पर्याप्त जांच हो रही है। और ऊपर से कि हमारी टीम जो है गांव में गांव-गांव जा रही है, जहाँ केसेज संख्या ज़्यादा है वहाँ पर जो है। अच्छा सर, ये जो पेशेंट आ रहे हैं शहरी क्षेत्र से ज़्यादा आ रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र? नहीं, इस बार ग्रामीण क्षेत्र पर ज़्यादा आ रहे हैं। हमारे अधिकारियों के साथ मीटिंग करके सबको अवगत कराया गया है। गाँव में सफाई व्यवस्था और फॉगिंग, एंटी लार्वल छिड़काव, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव प्रतिदिन होना है। सो इसको मौके पर क्या इसमें एनफोर्समेंट हो रहा है इसको देखने के लिए आज ममरेजपुर गांव में हम लोग आज खड़े हैं, और मेरे साथ ब्लॉक के सारे अधिकारीगण कर्मचारीगण भी मौजूद हैं। सो कई हम लोगों ने देखा कुछ जगहों पर पानी अभी भी कटा हुआ है, मतलब उस पानी को जल्दी से निकासी करने के लिए अधिकारियों को आदेश किया गया है। और जितने गांव में डेंगू के कम से कम एक भी केसेस हो उस गांव का लिस्ट निकला गया है, और उस गांव में विशेष सफाई अभियान के साथ साथ लोगों को जागरूकता अभियान, जैसे फुल स्लीव के कपड़ा पहनने के लिए और मच्छरदानी प्रयोग करने के लिए लोगों को अवगत कराया जा रहा है। अमेठी में प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र पर शासन की तरफ से जारी निर्देश के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 12 से भी अधिक प्राइवेट और लिमिटेड कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया है। वहीं पिछले 6 महीनों में रोजगार मेले के तहत हजारों युवाओं को रोजगार पाने का अवसर मिला है। विभाग की तरफ से रोजगार मेला हर सप्ताह, हर महीने में लगाया जाता है। अभी तक ये मेला जनपद स्तर पे लगाया जाता था, लेकिन चूंकि आकाशवाणी ब्लॉक होने की वजह से जामो, जगदीशपुर, बाजार श्योपुर में भी ये मेला ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ अभी जामो में लगभग 6 कंपनियां प्रतिभाग कर रही हैं, जिसके लिए 250 बच्चे लगभग अभी तक रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, और उम्मीद है कि और भी बच्चे आएंगे। भीड़ होगी और जिस तरह से चल रहा है, इंटरव्यू प्रक्रिया चल रही है और रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, रोजगार मिलेंगे बच्चों को। रोजगार मेला अब तक जो है सरकार के द्वारा जनपद स्तर पर लगाया जाता था, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि ब्लॉक स्तर पर लगाया जाए तो कुछ ज्यादा बच्चों को आसानी होगी, या जो पिछड़े ब्लॉक रहे हैं और अपने जनपद में एक आकांक्षात्मक ब्लॉक के अंतर्गत 3 ब्लॉक चयनित किए गए हैं। बाजार शुक्ल और जगदीशपुर में ये मेला संपन्न हो चुका है। आज जामो ब्लॉक का ये मेला आयोजित हुआ है। इस मेले में 6 कंपनियां आई हुई हैं और करीब 200-250 से बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। उनके इंटरव्यू, शैक्षिक प्रमाण पत्र, कई आधार पे उनका जो है कंपनियां देख रही हैं, अपने हिसाब से उनका सिलेक्शन करेंगी और उनको रोजगार देने का काम करेंगी। खबर अमेठी से, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 45 क्विंटल लोहे की सरिया समेत 4 शातिर चोरों और 2 ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। शातिर चोरों ने कुछ दिन पहले रामगंज स्थित कोको कोला फैक्ट्री में 8 टन सरिया की चोरी की थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोका कोला कंपनी प्राइवेट लिमिटेड UPSIDC जो सिंधु रामगंज में निर्माणाधीन का कंट्रैक्ट संदीप भदौरिया, सनाफ सुरेश सिंह भदौरिया, ट्रांसपोर्टर कानपुर से है, जिसमें से सरिया वहां से लाई जाती है। कल हमारे SI श्री विनोद कुमार को एक सूचना मिली KNERA को कि कुछ ट्रांसपोर्टर सरिया चोरी करते हैं, जिस पर SI ने तुरंत लग करके मुकदमा अपराध संख्या 139/22, 406/379, 120/411 भी पे अंकित कर 2 ड्राइवर UP 78 FP 6730 ड्राइवर सुशील कुमार और UP 79 T 8779 के ड्राइवर अभिषेक को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ के थाना गबाना क्षेत्र में लालपुरा गांव में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने स्कूल संचालक और फर्नीचर की दुकान चलाने वाले व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने व्यापारी को घायल अवस्था में CSC में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया है। तो वहाँ से गाड़ी आ रही थी, दो पाछे पे थे, आगे गोली मारी और गाड़ी भाग गई। कितने बजे घटना हुई थी? कितने बजे? कहाँ पर गोली? कौन से गांव का? बैंक के पास। नगर पर तुरंत ओवरटेक करके इनको रोका, इनको रोक करके हम तो दुकान पे इधर साइड
जैसे ही फायर की आवाज़ हुई है, एक बाइक फायर तक आवाज़ होती तेजी से चली गई। हम जाकर के उनको देखा, अब जैसे ही हमने उनको उठाया तो इनका हेलमेट जैसे ही उतरा तो मैं इनसे परिचित था, मनोज भैया लालपुर से थे। तुरंत हमने बाइक मंगाई, ये हमारे साथी हैं, वो स्कॉर्पियो गाड़ी में लेकर के आए वरुण ट्रॉमा सेंटर यहाँ आकर के। ये एक थाना गबाना में गांव पड़ता है बीदा नगर, वहाँ पर एक व्यक्ति हैं मनोज कुमार पुत्र प्रताप सिंह, ये वहाँ से लौट रहे थे, इनका एक कॉलेज भी है और इनका बताया गया कि दो व्यक्तियों ने इन्हें गोली मार के घायल किया है, अस्पताल में इनको मृत घोषित किया गया है। इसमें परिजनों से वार्ता हुई है, रंजिश की बात प्रकाश में आई है और उस पर कार्य किया जा रहा है, साथ ही अन्य पहलू भी यदि कोई हो तो उसको देखा जा रहा है। घटनास्थल का मुआयना कर लिया गया है, अनावरण के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं, शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। गोरखपुर के राज नर्सिंग होम पैरामेडिकल के मालिक पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्क की और आरोपी कॉलेज संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। छात्रों की तरफ से कई दिनों से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था, जिस पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्यवाही की है। ये अभिषेक यादव जी के खिलाफ जिलाधिकारी महोदय द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) में पारित आदेश के क्रम में आज इनके द्वारा अवैध तरीके से जो है संपत्ति के द्वारा जो संपत्ति निर्माण किया गया अवैध धन के द्वारा उसी को कुर्क किया जा रहा है। जनपद गोरखपुर में एक राज नर्सिंग नाम के एक इंस्टीट्यूट जिसको पैरामेडिकल कॉलेज के नाम से भी इन्होंने परमिशन ली थी, जो कि ये बिल्डिंग यहाँ से संचालित होती थी और इसने लोगों के कई सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। मोटी मोटी रकम लेके इस व्यक्ति ने अपनी जिस संख्या जो इसको अलॉटेड थी उससे कई गुना ज़्यादा एडमिशन देके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। ऐसे मेडिकल माफिया के खिलाफ आज कई जगहों 9 से ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टियाँ जब्त की जा रही है, जिसमें कम से कम 100 करोड़ के आसपास की संपत्ति जब्त की जा रही है। बाकी इसकी डिटेल आपको दी जाएगी। हरदोई में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट की कार में धक्का लगाने का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वहीं समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर रोज बदतर हो रहे प्रदेश के हालात, शर्म करो सरकार ट्वीट कर सरकार की आलोचना की, जिसके बाद शासन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में 6 बोलेरो कार हरदोई प्रशासन को उपलब्ध कराई है। फरीदाबाद में सेक्टर 12 के HSVP के कन्वेंशन हॉल में आयोजित न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लिक्विड और सॉलिड वेस्ट विषय पर आयोजित सेमिनार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि NGT के सुझाव पर सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं इस मौके पर NGT के चेयरपर्सन, केंद्रीय राज्य मंत्री समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वेस्ट मैनेजमेंट का विषय है, न केवल हमारे यहाँ का, प्रदेश का अथवा ये तो विश्वव्यापी एक ऐसा विषय है और जब तक हम इसको ट्रीटमेंट के नाते से इसका कोई रास्ता नहीं निकालेंगे तब तक मानव जीवन में बहुत सी दुर्लभता होता जा रहा है और बीमारियाँ भी घर करती जा रही हैं। तो इस इनिशिएटिव में मैं सबसे पहले तो आभार करूँगा हमारे NGT के चेयरमैन जस्टिस आदेश गोयल जी का कि इन्होंने समय समय पर जो भी हमको मार्गदर्शन किया और जैसे भी फैसले दिए उन सब फैसलों पर हम हरियाणा के अंदर बखूबी शब्दशः उसको लागू करने का हमने काम किया है। राहत प्रदूषण करने की कोई राहत किसी को नहीं दी जा सकती, क्योंकि कौन देगा राहत, उससे अफेक्टेड कौन है? सिर्फ सरकार अफेक्टेड नहीं है। मान लीजिए आप प्रदूषण कर रहे हैं और दूसरे की सेहत ख़राब हो रही है, उसके फेफड़े ख़राब हो रहे हैं, तो आपको राहत दी जा सकती है? अब बताइए कौन से कानून में आपको ये राइट दिया जा सकता है कि दूसरों के फेफड़े ख़राब करो। हरदोई में सड़क निर्माण कार्य में बड़े भ्रष्टाचार और अनियमितता का मामला उजागर हुआ। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा राणा जब अहिरोरी ब्लॉक में बन रही सड़क का जायजा लेने पहुंची तब पूरा मामला सामने आया। जायजे के दौरान पाया गया कि सड़क का जो निर्माण हो रहा है वो मानक के अनुसार नहीं हो रहा है, साथ ही इसमें तमाम तरह की खामियां पाई गई। निर्माण कार्यों में अनियमितता पाए जाने के बाद संबंधित ठेकेदार अवर अभियंता भरत लोधी और भुगतान करने वाले अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार गुप्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
एहरोली ब्लॉक के अंदर त्वरित विकास योजना के अंतर्गत दो सड़कों का निर्माण जो जिसकी कार्य संस्था आरएस है उसका निरीक्षण किया गया। उसमें जो पहली सड़क है उसमें जो पुल बने हुए हैं वो उसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी, वो बीच से चटक गई थी। उसके लिए जो जेई वहाँ पे संबंधित है उसको निर्देशित किया गया है कि उसको ठीक कराएं। साथ ही साथ जो कार्य की प्रगति है वो भी अत्यंत धीमी पाई गई। 1 किलोमीटर सड़क में सिर्फ 180 मीटर जो लंबाई है वहाँ पे आरसीसी का काम किया हुआ है। पूरी सड़क को 1 महीने के अंतर्गत कंप्लीट करने के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ दूसरी सड़क वहाँ पे 500 मीटर में जीएसबी डालकर उसका भुगतान किया गया है। अभी उसकी एमबी देखी गई तो एमबी में और जो मौके पर कार्य है उसमें थोड़ी भिन्नता पाई गई है। इसके लिए अग्रिम कार्रवाई कुछ दिनों में की जाएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं।